दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित एक बहुत ही खूबसूरत जिला बलरामपुर के बारे में। तो मेरे दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि बलरामपुर जिले की कई ऐसी अनसुनी बातें हैं जिसे आप शायद ही जानते होंगे। तो चलिए देर न करते हुए फिर चलते हैं बलरामपुर की शानदार सफर पे। बलरामपुर रामानुजगंज छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा संभाग में स्थित एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जिला है, जो अपने कई मूल्यवान संसाधन और अपने खूबसूरत दर्शनीय स्थलों के कारण पूरे छत्तीसगढ़ में जाना जाता है। वहीं बलरामपुर जिले को 1 जनवरी सन 2012 में सरगुजा जिले से विभाजित कर एक नया जिला बनाया गया था, जिसे 636 गांव, 415 ग्राम पंचायत, 6 ब्लॉक और 8 तहसीलों में बांटा गया है। वहीं तहसीलों में शंकरगढ़ तहसील, रामचंद्रपुर तहसील, कुसमी तहसील, बलरामपुर तहसील, रामानुजगंज तहसील, सामरी तहसील, राजपुर तहसील और वाड्रफ नगर तहसील शामिल है। वहीं बलरामपुर जिले में स्थित है राज्य का सबसे प्रसिद्ध ताता पानी, जहां प्राकृतिक रूप से गर्म पानी निकलता है और यहीं पर मनाया जाता है जिले की सबसे प्रसिद्ध ताता पानी महोत्सव, जहां दूर दूर से लोग इस महोत्सव की आनंद लेने आते हैं। इसके अलावा बलरामपुर जिला छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी वाला जिला भी है, जहां 95% लोग गांव में रहना पसंद करते हैं। वहीं बलरामपुर जिले को आदिवासियों का गढ़ भी कहा जाता है, क्योंकि जिले की कुल आबादी में 65% से भी अधिक के निवासी आदिवासी हैं। इसके अलावा बलरामपुर जिले की सबसे प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल डीपाडी है। वहीं बलरामपुर जिले की रामचंद्रपुर तहसील छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से का सबसे अंतिम तहसील है, जो राज्य के ऊपरी हिस्से में स्थित है। और इसी तहसील में स्थित है सुंदरी ग्राम, जो राज्य के सबसे ऊपरी हिस्से का सबसे आखिरी गांव है। इतना ही नहीं दोस्तों, बलरामपुर जिले की सामरी तहसील में स्थित है छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत, जिसे हम गौरलाटा के नाम से जानते हैं। इसके अलावा सरगुजा संभाग का दूसरा सबसे बड़ा अभ्यारण्य बलरामपुर जिले में ही स्थित है, जिसे हम सेमरसोत अभ्यारण्य के नाम से जानते हैं। वहीं सरगुजा संभाग का दूसरा शिमला बलरामपुर जिले की कुसमी को कहा जाता है, जो जिले की सबसे ठंडा स्थान है। इसके अलावा बलरामपुर जिले में उराव, कोरवा, पांडो, कोरखू और खरिया जनजाति के लोग निवास करते हैं। वहीं बलरामपुर रामानुजगंज जिले की प्रशासनिक मुख्यालय बलरामपुर शहर में स्थित है। बलरामपुर जिले की क्षेत्रफल की बात करें तो तकरीबन ये जिला 3,457 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जहां की वर्तमान समय में जनसंख्या 8 लाख के करीब है, जिसमें से 87% हिंदू, 5% मुसलमान, 4% ईसाई और बाकी 4% अन्य समुदाय के लोग हैं। वहीं इस जिले की कुल आबादी में प्रति 1000 पुरुषों पर 973 महिलाएं हैं और यहाँ की प्रत्येक आबादी 200 प्रति वर्ग किलोमीटर पर रहती है। बलरामपुर जिले की 5% आबादी ही शहरों में निवास करती है और 95% आबादी गांव में रहकर अपने जीवन यापन करती है। बलरामपुर जिले की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से खेती किसानी और कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों पर आधारित है। वहीं बलरामपुर छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी नया रायपुर से लगभग 420 किलोमीटर की दूरी पर है और संभाग मुख्यालय अंबिकापुर से लगभग 84 किलोमीटर की दूरी पर है। बलरामपुर जिले में चलने वाली गाड़ियों की वाहन कोड CG30 है। वहीं बलरामपुर जिले से 6 प्रमुख नदियां बहती हैं: रिहान नदी, महान नदी, कन्हार नदी, सिंदूर नदी, चनान नदी और मोरन नदी। इसके अलावा बलरामपुर जिला शिक्षा के दृष्टि से आज के समय में काफ़ी पिछड़ा हुआ है, जहां की कुल साक्षरता दर 55% ही है। और यहां की शिक्षा संस्थानों को देखें तो डिवाइन इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, गवर्नमेंट ITI राजपुर, गवर्नमेंट कॉलेज बलरामपुर, गवर्नमेंट ITI वाड्रफ नगर,
स्वर्गीय श्री महली भगत कॉलेज कुसमी, गवर्नमेंट नवीन कॉलेज रामचंद्रपुर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रामानुजगंज, गवर्नमेंट आईटीआई सामरी, गवर्नमेंट रानी दुर्गावती कॉलेज वाड्रफ नगर, गवर्नमेंट कॉलेज राजपुर एवं लारंग साई कॉलेज जैसे कई और अन्य शिक्षा संस्थान बलरामपुर जिले में स्थित है। बलरामपुर जिले में बोले जाने वाली प्रमुख भाषाएं सरगुजिया, हिंदी, छत्तीसगढ़ी, कुरुक, सादरी एवं अन्य है। वहीं बलरामपुर अपने सड़क मार्ग के जरिए छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड एवं मध्य प्रदेश राज्य के कई बड़े शहरों से सीधे जुड़े हुए हैं, जहां से आप बस या प्राइवेट गाड़ियों के जरिए बलरामपुर आसानी से पहुंच जाएंगे। वहीं बलरामपुर जिले की पर्यटक स्थलों की बात की जाए तो यहां पर कई खूबसूरत प्राचीन पर्यटक स्थलें देखने को मिलता है, जिनमें सेमरसोत अभ्यारण्य, कोठली जलप्रपात, ताता पानी, पवई जलप्रपात, डीपाडी, अर्जुनगढ़, वन वाटिका, पहाड़ी मंदिर एवं पलटन घाट बलरामपुर जिले की प्रमुख देखे जाने वाला स्थान है। तो मेरे दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।